भाजपा युवा मोर्चा वार्ड 46 द्वारा आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हुए, जिसमें युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रमोद राठौर, सोनू पालीवाल, ईशान उपाध्याय समेत महिला युवा मोर्चा महामंत्री कीर्ति मिश्रा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। महामंत्री का कहना है कि कल माननीय नरेंद्र मोदी का काफिला जानबूझकर पंजाब सरकार द्वारा रोका गया। इसी सिलसिले में आज युवा मोर्चा भाग 46 में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया और चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन किया। और हम आज ये देना चाहते हैं कि मोदी जी सभी के दिलों में जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस की सरकार का सही चेहरा उजागर करती हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज युवा मोर्चा नेता प्रमोद राठौर जी और उनकी पूरी टीम के लकड़ी द्वारा यहाँ पर कल आप सभी को विदित होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी सिक्योरिटी का जो ब्रीच हुआ है पंजाब में, पंजाब राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर किया गया। इसी सिलसिले में आज हमारे पूरे युवा मोर्चे की टीम ने यहाँ वार्ड 46 में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला दहन किया और यहाँ सभी ने नरेंद्र मोदी जी के जिंदाबाद होने के नारे लगाए और ये एक संदेश दिया कि हमारे माननीय मोदी जी सभी के दिलों में जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। इस तरह की घटनाएं कांग्रेस की सरकार का सही चेहरा उजागर करती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह से कुछ हमारे मोदी जी हमेशा हमारे दिलों में जीवित हैं, जीवित रहेंगे और उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता।